Welcome back. As every day, there is once again a set of questions. The questions being based on blanks filling. In a series of blanks fillings, you have got so many sentences with option choice. In the choice of options, you have been getting some convenience, some inconvenience, some words appearing to be easy, some difficult. But in the midst of that, we have to find the middle path. Actually, I am trying my utmost to make certain that with regard to each and every option, there is a definition, there is enough definition, and that definition might lead to this point that there is no more problem, there is not any confusion left. Because only on the definition of the words given, you could build up some concept. Concept is already clear, but only because of not understanding the subtlety, you are left with some kind of misgiving. And only that misgiving makes you happen to make some mistakes. So, आज मैं फिर से एक बात बता दूं कि हर वर्ड्स के पीछे एक डेफिनेशन है. अगर वो वेल डिफाइंड रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. ये हो सकता है कि पहले जब डेफिनेशन नहीं मिला है तो आपके साथ एक भ्रांति बनी होती है, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हर वीडियो में, मेरे हर वीडियो में जहां मैं डिफाइन कर रहा हूं सारे वर्ड्स को, उसके बाद कम से कम उन शब्दों के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो इट इज, लेट मी टेल यू वंस अगेन, इट इज माय इंपरेटिव चॉइस ऑफ दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस. इनफैक्ट आई हैव टू डील विद न्यूमरस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स. But as far as this one is concerned, this set of questions is concerned, I think only after I have tried my utmost to remove all the likely misgivings, I will think my effort has been accomplished. My effort has been done in the right direction. So there is only with this hope, this assertion once again of the assuring nature by me that you don't have to think in the least uncomfortable, because uncomfortable feelings emanate from having some kind of hesitation. So that hesitation, I must say, will go forever after each effort in that direction by me. तो आपको कोई इस तरह की भ्रांति का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे हर एफर्ट में, हर एफर्ट के बाद आप ये महसूस करेंगे कि हर चीज जस्ट प्लेन सेलिंग है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं. नंबर वन क्वेश्चन, इन अ कंट्री द जुडिशियल सिस्टम प्रिस्क्राइब्स ए मिनिमल सेंटेंस फॉर जुवेनाइल. हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो जुवेनाइल के लिए, यानी कि जो अंडर एज होते हैं, नाबालिग होते हैं, उनके लिए मिनिमल सेंटेंस, कम से कम सजा का प्रावधान किया है. तो वो जुवेनाइल यानी कि जो अंडर एज होते हैं उससे संबंधित करते हैं. इनफैक्ट जुवेनाइल बीइंग एन एडजेक्टिव शुड हैव सम नाउन जस्ट आफ्टर दैट. सो यू विल हैव टू फाइंड फ्रॉम अमंग दिस ऑप्शंस व्हिच ऑफ देम अपीयर्स टू बी एग्जैक्टली सुटेबल. तो ये जो है जुवेनाइल के साथ हम ऑफेंडर लगाए कि क्रिमिनल लगाए कि कल्प्रिट लगाए या डिलीक्वेंट, इन चार ऑप्शंस में कोई ना कोई एक एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट होगा. तो
हालांकि सभी का अर्थ लगभग समान है, ऑफेंडर का भी मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल भी अपराधी होता है, कल्प्रिट भी अपराधी होता है, डिलीक्वेंट भी अपराधी होता है, इनफैक्ट दे आर ऑल द रॉन्ग डूअर्स, ओनली दे हु हैव डन समथिंग रॉन्ग, ओनली दे हैव कमिटेड सम ऑफेंस आर कॉल्ड ऑफेंडर, क्रिमिनल, कल्प्रिट और डिलीक्वेंट। बट यहां पर जो भी जो गलत काम करते हैं, जो लॉ ब्रेकर होते हैं, उनको ये सारे चीजें कहे जाते हैं ऑफेंडर, क्रिमिनल, कल्प्रिट और डिलीक्वेंट। लेकिन अब यहां हम किसको ऑप्ट करें, सो जस्ट बिफोर आई एक्सप्लेन, जस्ट बिफोर आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विच ऑफ देम वुड बी सुटेबल, आई फर्स्ट ऑप्ट फॉर वन एंड देयर आफ्टर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहां पर हम ऑप्शन डी डिलीक्वेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इवन हियर एज आई हैव स्टेटेड इवन अर्लियर, इवन हियर देयर इज अ केस ऑफ कोलोकेशन, क्योंकि कोलोकेशन में जो वर्ड्स का सामंजस्य होता है, टू वर्ड्स गो टुगेदर, सपोजिंग यू हैव गॉट अनदर वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग लाइक इट टू बी यूज्ड इन सच एंड सच केस जस्ट आफ्टर सर्टेन वर्ड, यू कांट मेक यूज ऑफ दैट वर्ड, especially because you are under this impression that this word has the same meaning, so why shouldn't one use that particular word? That is not going to be possible, especially in English. In English, there is a great role played by collocation, especially in respect of the arrangement of words. तो English में ये बात नहीं होती है कि चूंकि offender, criminal सबका एक ही अर्थ होता है, तो कोई ना कोई लगा दो juvenile के बाद। Juvenile के बाद हमेशा डिलिंक्वेंट का प्रयोग करते हैं। डिलिंक्वेंट इज अ लिटिल बिट डिस्टिंक्ट फ्रॉम थ्री अदर वर्ड्स लाइक ऑफेंडर, क्रिमिनल, कल्प्रिट। सो लेट मी टेल यू, या डिलिंक्वेंट जो है वो थोड़ा सा ऑफेंडर, क्रिमिनल और कल्प्रिट से अलग होता है। डिलिंक्वेंट का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो बच्चे बचपन में होते हैं, जो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में होते हैं, जो टीन एजर होते हैं, उनके लिए डिलिक्वेंट का प्रयोग होता है। एक्चुअली उनका बिहेवियर पहले से ही कुछ अनरूली होता है, पहले से ही वो थोड़ा सा क्रिमिनल एक्टिविटीज में, वो ऑफेंस करने में ज्यादा प्रवृत्ति रखता है। तो ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, कल होकर वो कुछ क्रिमिनल एक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम डिलिक्वेंट कहते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द यंग एज। So when any person who is likely to commit some crime, although he has not yet done anything so serious, but there is some possibility of that man's doing something like that. तो ऐसे लोग जो कुछ प्रवृत्ति रखते हैं गलत करने के लिए, आज भले ही वो बहुत बड़ा आपराधिक काम न किए हों, तो ऐसे बचपन में जो लोग होते हैं वो delinquent होते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कल वो बहुत गलत काम करें। तो ऐसे लोगों के लिए जुडिशियल सिस्टम जो है मिनिमल सेंटेंस वो प्रेस्क्राइब करता है। हालांकि जुडिशियल सिस्टम की डिफिनेशन जो है कुछ और भी है कि अगर इफ यू आर अंडर एज एंड इवन इफ यू हैव कमिटेड द हेनस क्राइम, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सीरियस सेंटेंस फॉर यू, दैट इज अनदर थिंग। इनफैक्ट यू हैव ऑल्सो गॉट टू नो वॉट टाइप ऑफ सेंटेंस दे हैव फिक्स्ड फॉर अ जुवेनाइल क्रिमिनल, even after they have committed some kind of crime. That is another thing. We don't have to go into the details of the very nature of our judicial system. We simply know that, and we should simply note that whenever you have got juvenile and after that there is a need for some word having the meaning of criminal, better use delinquent. तो आपको बस इतना ही जो है दिमाग में रखना होगा कि juvenile आए एडजेक्टिव के तौर पे, उसके बाद क्रिमिनल जैसे किसी वर्ड को रखना होगा, ऑफेंडर जैसे किसी वर्ड को रखना होगा। तो बाय द रूल ऑफ कोलोकेशन यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज ओनली डिलिक्वेंट, तो आप डिलिक्वेंट का प्रयोग करें। सेकंड में आते हैं, इट इज एन फैक्ट दैट देयर इज एन अनसीन फोर्स ऑफ पावर ओ कॉल इट इवन गॉड व्हिच ऑपरेट्स दिस होल यूनिवर्स। यह एक तथ्य है। कैसा तथ्य है? यह आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। यह एक तथ्य है कि एक अनसीन, अनदेखा कोई शक्ति है, कोई बल है, या इसे आप गॉड भी कह लो, जो पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। यहां यह तथ्य के लिए फैक्ट देयर मे बी सम वर्ड्स ऑफ योर ओन चॉइस,
कोई वर्ड्स आपके हो सकते हैं अपने अपने जो है चॉइस के, जिसको आप यूज कर सकते हैं. लेकिन यहां भी इफ यू हैव सम ऑप्शंस गिवन आउट ऑफ विच यू हैव टू मेक अ वेरी वाइज सिलेक्शन, अगेन देयर इज अ केस ऑफ कोलोकेशन. आपको कई अगर ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें आपको सही तथ्य सही बात की बात हो, तो वहां पर हम केवल अकम्प्लिस्ड यानी कि ऑप्शन डी हमारे लिए सही आंसर है. तो फैक्ट के साथ हमेशा अकम्प्लिस्ड लगता है. इट इज नॉट दैट यू मे बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट इफ यू यूज सम अदर वर्ड जस्ट बिफोर फैक्ट rather than this accomplished. But that is possible when you are making a common expression where there is not any option like accomplished given. ऐसा हो सकता है कि आप fact के साथ कुछ और word लगा दो, वो चलेगा अगर आप common expression, general expression दे रहे हैं. लेकिन अगर options में दिए रहेंगे ऐसे चीज accomplished दिए रहेंगे, खासकर accomplished क्योंकि हमको तो accomplished से वास्ता है fact के पहले लगाने के लिए, तो आप accomplished का ही प्रयोग करेंगे, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे. और ये आप ध्यान से देख लें कि whenever you have this word fact coming, you should use only accomplished before that. तो accomplished का प्रयोग, accomplished का मतलब क्या होगा? Suppose you have a question in your mind lurking as to what it means actually, because I have been talking a lot about the placement of accomplished in the blank, but there may be a question in your mind like what will be the exact meaning of it. इसका आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है, कौन रहा है कि accomplished का after all अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, तो उसका हिंदी आप इनमें से किसी को भी रख सकते हैं, चाहे वो स्थापित कहिए या फिर जो है सही कहिए या एग्जैक्ट सटीक कहिए. तो इनमें से किसी को भी आप अकम्प्लिश्ड के साथ मीनिंग के हिसाब से जोड़ सकते हैं. देर इज नथिंग एक्स्ट्रा, देर इज नथिंग अदर देन दैट. अब हम थर्ड पे आते हैं. इंडिया इंडिपेंडेंस अ मेजर टीचेस द वर्ल्ड अ लेसन दैट इट कैन बी अचीव्ड इवन बाय अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. भारत की आजादी, भारत की स्वाधीनता एक मेजर क्या है? उपलब्धि है, अकम्प्लिश यानी कि अचीवमेंट है या अकम्प्लिशमेंट है, गेन है या सक्सेस है, जो भी हो इसको बाद में हम आते हैं. भारत की आजादी दुनिया को एक पाठ पढ़ाती है कि आजादी रक्तहीन क्रांति से भी प्राप्त की जा सकती है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन से भी प्राप्त की जा सकती है. बिकॉज यू नो दैट During our independence struggle, there was hardly bloodletting. There was hardly any bloodletting. In fact, there was some, but it could be considered that India's freedom struggle was a bloodless revolution. और ये जो है रक्तहीन क्रांति थी. और जैसा कि हम कहते हैं French revolution was a bloodless revolution. So in fact, even world leaders have accepted this fact that India's independence was a bloodless revolution. They did not shed blood so much. Still, we got independence. तो ये बात की बात है. भारत की आजादी एक major accomplishment है, achievement नहीं. हालांकि achievement और accomplishment में एक fine distinction है, बहुत ही सूक्ष्म distinction है. Achievement मतलब क्या होता है? उपलब्धि. और accomplishment का भी मतलब भी उपलब्धि होता है. फिर दोनों के बीच में अंतर क्या है? अचीवमेंट उस तरह की उपलब्धि को कहते हैं, उस तरह की सफलता को कहते हैं, उस तरह के गेन को कहते हैं जो एफर्ट से मिलती है, प्रयास करेंगे. जैसे यू हैव अचीव द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज यू हैव मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मेड एन एफर्ट, दैट इज वाई यू हैव सक्सीडेड इन गेटिंग दिस पोजिशन. आपने एफर्ट किया, आपने प्रयास किया, तो आप अचीव किया ये फर्स्ट रैंक. तो फिर प्रयास तो यहां पर भी हुआ, इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए भी तो प्रयास हुआ. हां, प्रयास हुआ, बट इट इन्वॉल्व्ड ए लॉट ऑफ एफर्ट इन विच देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स आल्सो. इन अ नटशेल, व्हेनेवर यू अचीव एनीथिंग आफ्टर ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एफर्ट इन विच यू ऑल्सो हैड टू suffer and after that
what you got was an accomplishment. जब कभी भी बहुत लंबे प्रयास के साथ, बहुत भारी प्रयास के साथ, जिसमें सफरिंग भी मिले, पीड़ा भी मिले, काफी दुख झेलना पड़े, उसके बाद अगर कोई सफलता मिलती है, कोई उपलब्धि मिलती है, तो वो अकम्पलिशमेंट होता है. और ये इंडिया इंडिपेंडेंस, द स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर अबाउट 200 इयर्स और सो, एंड इन दैट एफर्ट विच वॉज इन डीड अ वेरी लॉन्ग वन, दे सैक्रिफाइस्ड अ लॉट. सो इट कुड बी कंसिडर्ड दैट इट वॉज एन अकम्पलिशमेंट रादर देन एन अचीवमेंट. एन अचीवमेंट वुड बी समथिंग लेसर इन इंपॉर्टेंस देन दैट. तो आपको अकम्प्लिशमेंट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एफर्ट के बाद, बहुत काफी प्रयास के बाद, बहुत काफी संघर्ष के बाद हमने ये इंडिपेंडेंस पाया, तो ये अकम्प्लिशमेंट. फोर्थ में आते हैं, गवर्नमेंट शुड बी टू द पीपल ऑफ द कंट्री फॉर एवरी एक्शन इट टेक्स, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ड्यूटीफुल. अब इन चारों में से किसे हम अपनाएं? सरकार को देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, उसके हर एक्शन के लिए जो वो करता है. तो आप ये समझते होंगे कि रिस्पॉन्सिबल का भी तो मतलब जिम्मेदार होता है, लेकिन जिम्मेदार यहां पर उपयुक्त नहीं है जितना जवाबदेह है. थोड़ा सा अंतर है, एक्चुअली हिंदी में हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, रिस्पॉन्सिबल किसे कहते हैं, जिम्मेदार किसे कहते हैं? इफ एनीथिंग रॉन्ग, इफ एनीथिंग अनप्रेजेंट इज डन बाय यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सपोजिंग सम ब्रेकेज वॉज डन टू एनीथिंग प्रेशियस दैट यू हैड बीन कैरिंग, देन समबॉडी एल्स कुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बिकॉज कोई भी चीज आप जो ला रहे हैं वो उसमें टूटन आ गई, तो क्यों, कौन जिम्मेदार हुआ? कोई जिम्मेदार होता है, इसने इस चीज को तोड़ा या उसके केयरलेसनेस से तोड़ा, या फिर जो है कोई गलती हुई, कोई अपराध हुआ, उसके लिए भी, हालांकि हर गलत काम के लिए कोई करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अकाउंटेबल के साथ जो है, यहां जो मैं अकाउंटेबल का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि ये यही इसका जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. अकाउंटेबल के साथ ये बात नहीं है, अकाउंटेबल के साथ कहीं एनीथिंग अनटूवर्ड, एनीथिंग रॉन्ग इज नॉट द केस. यहां क्या होता है, यहां भी जिम्मेदार होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द एक्शंस दैट वी डू, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द एक्शंस, एंड वी आर देयरफॉर ऑल्सो विलिंग टू हेल्प अदर्स, एंड इन दैट वर्क, इन दैट एक्शन इफ एनीथिंग अनटूवर्ड हैपेंस वी कुड ऑल्सो बी क्रिटिसाइज्ड. हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, हम कार्य करते हैं उसके इफेक्ट के लिए, उसके उसके प्रभाव के लिए अगर हम जिम्मेदार बनते हैं तो हम अकाउंटेबल होते हैं. जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कोच कर रहे हैं, हैं? अगर किसी तरह की बात, कोई अनप्लेजेंट कुछ हो जाती है जो कि हमारा इंटेंशन नहीं है, हमने इंटेंशन कभी नहीं किया कि डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम हो या वो जो भी हो, तो उसके लिए हम अकाउंटेबल है. बिकॉज यू कुड एड्रेस ए लेटर, यू कुड एड्रेस सम कमेंट टू मी सेइंग दैट दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, इनफैक्ट आई हैड नॉट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग एनीथिंग अनटूवर्ड फॉर यू, बट व्हेन इट हैपेंड आई वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट. अब सरकार जो है, सरकार की का तो कोई इंटेंशन नहीं होता है कि कोई बुरा करने के लिए, लेकिन अगर वो बुरा हो जाता है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है देश के लोगों के प्रति. एज फार एज सम ऑफ द एक्शंस टेकन बाय आवर गवर्नमेंट एट द सेंटर आर कंसर्न्ड, इनफैक्ट यू कुड ऑल्सो रिफर टू डीमोनिटाइजेशन, यू कुड ऑल्सो रिफर टू जीएसटी, सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय देम मे बी अनपॉपुलर, सो only this government would be held accountable, because not that this government had taken this decision with the intention of causing any harm to you,
with the intention of causing any unpleasant situation for you. तो ये बात नहीं थी, लेकिन वो हुआ, उसका इफेक्ट के लिए वो जवाबदेह बनता है, तो वहां पर अकाउंटेबल का प्रयोग करते हैं. रिस्पॉन्सिव और ड्यूटीफुल यहां पर कोई मायने नहीं रखता है. रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आप, हम कुछ कर रहे हैं उसके प्रति आप कोई जवाब दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिव होता है. ड्यूटीफुल का मानते हैं कर्तव्यनिष्ठ होता है. सो ऑब्वियसली अकाउंटेबल इज द डन थिंग हियर. फिफ्थ में आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज वंस by the Rao government to the UN to put forward the country's stand there against Pakistan. Atal Bihari Vajpayee ko ek baar ab kya kiya gaya tha, chuna gaya tha, bheja gaya tha, yani ki delegated, accredited, sent, tasked. Ye Rao sarkar ke dwara kiya gaya tha UN mein bhejne ke liye aur taki wo apne desh ke stand ko, apne desh ke jo hai, apna jo hai unka niti hai, unko jo hai Pakistan ke khilaf rakhne ke. तो whenever any official, particularly of the government, is sent by the government to another country to represent the this country that they belong to, it is accredited that you will have to use. जब कभी भी किसी देश की सरकार आपको, अर्थात आप एक ऑफिशियल हैं, आप एक सरकार का प्रतिनिधि भी आप कह जा सकते हैं, एक स्टेटस में हैं, आपको अगर ऑफिशियली आपका देश किसी और देश में भेजता है, किसी और जगह भेजता है ताकि आप देश का रिप्रेजेंट कर सके, देश का जो है प्रतिनिधित्व कर सके, तो वहां पर खास तौर पर अक्रेडिटेड अर्थात ऑप्शन बी को हम ऑप्ट करें. डेलीगेट नहीं होगा, डेलीगेट डज नॉट टेक दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. इनफैक्ट डेलीगेट ऑल्सो मीन सेंड समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो एज टू रिप्रेजेंट सम ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, बट डेलीगेट डज नॉट टेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर यू हैव गॉट टू यूज प्रीपोजिशन टू जस्ट बिफोर दैट प्लेस वेयर दे आर सेंट बाई वन कंट्री बाई वन गवर्नमेंट. तो डेलीगेट जो है ये नहीं लेता है. डेलीगेट का प्रयोग होता है इन्फिनेटिव के साथ. So I delegate you to do something, I delegate you to represent the organization, etc. तो वहां पर आपका ये context तो खैर भले ही अगर कुछ similar हो, लेकिन construction जो है similar नहीं है, तो आप credited का प्रयोग करेंगे, और credited का मतलब खास तौर पे जो है देश का प्रतिनिधित्व करना किसी और देश में जाकर, किसी और जगह जाकर, तो यहां पर आप केवल credited का प्रयोग करेंगे. तो ये आपका मैं चार पांचों जो है जो सेंटेंसेस जिसमें ऑप्शन चॉइस की बात थी, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो समझाने का जो तरीका है वो आपको जरूर घर कर गया होगा. आपने जरूर जो है इसको जो है अच्छी तरह से दिमाग में इसको लिया होगा. तो जब कभी भी, फिर भी मैं कह रहा हूं कि फिर भी कुछ अगर भ्रांति हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मिसगिविंग हो, कोई डाउट हो, यू विल विदाउट एनी हेजिटेशन address that note to me in the comment box, and I am always prepared, I stand prepared to address that thing in my own way, trying to make you feel whatever way I have used to explain that thing has been perfectly good, has been up to the mark, so there is not any question of doubt. तो आप कभी भी कहीं भी कोई संशय हो, कहीं भी कोई डाउट हो, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बात को जनाएंगे, ताकि हम प्रयास करेंगे कि उसका बिल्कुल ही हर तरह से उसका जवाब देकर आपके मिसगिविंग को, आपके किसी डाउट को मैं दूर करूं. तो यही बात है. इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम को जो है विराम देता हूं, लेकिन फिर भी आप इस बात से, मैं एक गुजारिश है आपसे, एक इल्तजा है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जस्ट डिसेमिनेट माय आइडियाज, माय कंटेंट्स, माय वीडियोस अक्रॉस द कंट्री, वेर एवर योर फ्रेंड्स आर, वेर एवर योर एलाइज आर, बिकॉज इट इज ओनली बाय डिंट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू दैट आई कुड गो अहेड विद दिस मिशन, बिकॉज दिस मिशन इज अ ग्रेट वन दैट आई हैव born in my mind so as to make this nation rich in ideas, rich in knowledge, because I know very well that in this nation, even though this nation boasts of good talent, good knowledge,
there is still a lot of ignorance prevailing, especially in the length and breadth of the entire North India, where people have to suffer, especially because of a little not substantial, but a very few amounts of information. That is why I would like to tell you that I am always with you, I stand by you. तो इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपके पास कुछ अज्ञानता है, आप फाइट कर रहे हैं रिलेंटलेसली, फिर भी इंग्लिश में कहीं ना कहीं से आपको कुछ दिक्कतें आ जाती है, अपने आप को आप सोच नहीं पाते हो कि यू हैव ए साइजेबल ग्रिप ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश पर जो है पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा पकड़ है, एंड दैट इज वाई यू एंड अप अ फेलियर विच आई डोंट लाइक एट ऑल. आई वुड लाइक यू successful in every way on all the fronts. Dhanyawad. Jai.